अड्डा फिर दोबारा से हरा भरा हो गया है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके का मतलब कि पॉइजन आया था, वो पॉइजन जो है अब थोड़ा थोड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रही हूँ जिया शंकर की। जिया शंकर जो कि इन लोगों को, तीनों को छोड़ ही नहीं रही थी, जहां पर भी ये बैठते थे वहां पर आके बैठ जाती थी। ये लोग बात ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये लोग जो है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और अनकंफर्टेबल महसूस करते थे। अब जो है जिया के साथ जो टास्क महफुकरा इंसान ने किया, उसके बाद जिया जो है थोड़ा सा जा तो रही है पर फिर वापस आ जा रही है, थोड़ी जा तो रही है फिर वापस आ जा रही है। 2M का टास्क हुआ, वहां पर भी जिया को कंसिडर नागशक्ति में नहीं किया गया। ये सब चीजें लगने के बाद भाई अब जो है जिया शंकर गई अपने वापस दोस्त अविनाश के पास चुगलियां करने। इन लोगों को मिल गया अपना टाइम, जहां पर पीठ दर्द हो रही है एल्विश की, एल्विश को दबा रही है, खड़ी हुई है, आके सीधा फुकरा इंसान धक्का मारते हैं, एल्विश को पीछे से जप्फी डाल देती है और फिर जाती है, फिर जप्फी डालती है, फिर जाती है, फिर जप्फी डालती है। मतलब ये इतनी देर तक चलता है, वो धक्का मारता है, फिर बोली मैं क्या करूं, वो धक्का मार रहा है, वो धक्का मार रहा है। इनकी मस्ती फिर से वापस आ चुकी है, इनका जो अड्डा है वो फिर से हरा भरा हो गया है। ये देखने में मुझे काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। और अब चलेगी नाग शक्ति की प्लानिंग, क्या सब चीजें हुआ है। और अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा है ये अड्डा फिर से हरा भरा होते हुए देख के, और जो जहर जा रहा है उसको देखते हुए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।